हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बनाने जा रहे हैं सांभर। सांभर के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो सब सब्जियों को काट के धो के अच्छी तरह रख लिए हैं। तो एक कद्दू है, बैंगन है, हरी मिर्ची है, प्याज है, कैरेट है, इतना सामान हमें चाहिए। और ये 150 ग्राम दाल है टुगर का, जो इसे लहर भी बोलते हैं। और हमें छौंक लगाने के लिए जीरा, 2 सूखी मिर्ची, करी पत्ता, राई, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हम बनाएंगे पेस्ट, और ये इमली। इमली हम अभी पानी में भिगो के रखेंगे, उसके बाद निचोड़ के दाल में डालेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और कुकर चढ़ा दिया है, कुकर थोड़ा गर्म होने देते हैं और थोड़ा भूनेंगे, इससे अच्छी खुशबू आएगी। तो हमारी दालें भून चुकी है और इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालेंगे और इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक डाल के इसे हम 2-3 सीटी लगाएंगे। उसके बाद हम सारी सब्जियों को इसमें डाल के 1 सीटी लगाएंगे। तो हमारी दाल पक चुकी है, हमने 3 से 4 सीटी लगा दी है। और देखिए हमारी दाल इतनी अच्छी तरह पक चुकी है। अब अभी इसमें हम सारी सब्जियों को ऐड करेंगे, बैंगन, प्याज, कैरेट, कद्दू, हरी मिर्ची को ऐसे तोड़ के डाल देंगे। इसमें हम टमाटर काट के इसमें डाल देंगे, मिला देंगे और इसमें फिर 1 सीटी लगाएंगे। तो हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह पक जाएंगे। उसके बाद हम छौंक लगाएंगे। हमारी 2 सीटी लग चुकी है जिसमें हमने सारी सब्जियाँ डाली हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह पक चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम छौंक लगाने की तरह हम इसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, राई को चटकने देते हैं। हमारी राई चटक चुकी है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का मोटा मोटा दरदरा कूट लिए हैं, वो डाल दिए हैं। और इसमें हम 2 सूखा मिर्ची डालेंगे, डाल दिए। अब इसमें करी पत्ता डालेंगे, गैस को हम हल्का धीमी कर देंगे। और इसमें हम जो दाल बनाए हैं उसका डालेंगे। और गैस का फ्लेम फिर तेज कर देंगे। और इसमें थोड़ा गैस का फ्लेम तेज करके इसमें हम सांभर मसाला ऐड करेंगे और इसे हम 2 मिनट तक उबलने देंगे, जो सांभर मसाला डाले हैं वो अच्छी तरह घुल सके। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इमली को भिगो के रखे हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी भिगोना है तो आप थोड़ा गर्म पानी करके डाल के भिगा सकते हैं। हमने इमली को भिगो के रखे हैं, जो हमारी इमली अच्छी तरह भीग चुकी है। और इसे हम हाथ के सहारे से ऐसे ऐसे मथेंगे। इसमें से हम सारी इमली को मथ दिए हैं। इमली को मथने के बाद में जो जितना इसमें का ये उसको निकाल दिए हैं। इसको हम पेस्ट बना दिए हैं और इसमें हम डाल देते हैं
जागे वीडियो चालू है नाना। देखिए हमारी सांभर बनके रेडी है और इसमें हम कोथमीर धनिया पत्ता डाल दिया है, गार्निश कर दिया है इसको। ये रेडी है खाने के लिए चावल के साथ या इडली के साथ आप खा सकते हैं। सांभर की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।